बेहतर से बेहतर की तलाश जी हमेशा हर बंदे को होती है, मतलब इट्स लाइक कि इंसान हमेशा उस जगह से जहां पे वो पहले मौजूद है उससे आगे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता है। जी सिमिलर वॉज द केस विद मी, आई यूज टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन जो मोटिवेशन का फैक्टर मैं कहूंगी सबसे ज्यादा, दैट इज रिलेटेड टू माई फादर। जी बचपन में उनकी कभी ख्वाहिश होती थी कि बेटा तुम डॉक्टर बन, आई यूज टू से नहीं बाबा मुझे वो चीज नहीं पसंद कि आप बंदों को ऑपरेट कर रहे हैं एंड एनीथिंग लाइक दैट। जी आई यूज टू गेन स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ इन माई डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, ठीक है, कि मुझे इस तरह की गेम्स खेलनी है कि जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिले, जिससे मुझे पावर मिले। अच्छा फादर मेरे मुझे हमेशा से मोटिवेट करते थे कि ठीक है बेटा डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा था कि आई कुडंट डू मच क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब उनकी असैसिनेशन हुई। उस टाइम से मुझे लगता है कि दैट वॉज द मेन फैक्टर विच पुश्ड मी टू गेन पावर। हैड ही बीन विद मी तो मे बी मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग ना होती। मुझे उस वक्त ये पता चला कि जी मेरे से छोटी 5 बहनें हैं, एक भाई है जो बहुत छोटा है, एंड आई एम द वन जिसे इन सबको लेकर चलना है। तो फिर मैंने सोचा कि वाकई CSS या PCS जी एक ऐसी चीज है जिससे मुझे वो पावर वो स्ट्रेंथ मिल सकती है कि जिस तरीके से आज मैं सफर कर रही हूं, कल को कोई और बेटी, कल को कोई और बहन इस तरीके से सफर ना करे, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। जी। मेरे फादर का वो अचानक से चले जाना जी। और उसके बाद अपनी मदर को मैंने जिस तरह से देखा कि उन्होंने किस तरीके से इतनी हार्डशिप्स में हमें पढ़ाया जी। उस वक्त मैंने ठानी थी कि मैं किसी ऐसी पोजीशन पे जरूर आऊंगी कि कल को मेरी माँ का सर फखर से बुलंद हो कि जिन बच्चियों पे मैंने इन्वेस्ट किया है, जिस बेटे पे मैंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने मुझे पे ऑफ किया है। तो ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, बेहतर से बेहतर की तलाश थी, मैं BSc की टॉपर थी वो अलग बात, MSc की टॉपर थी वो अलग बात, लेकिन जो मेन चीज थी वो थी मेरी मदर की सपोर्ट और मेरे फादर का अचानक से चले जाना, जिसने मुझे इस चीज की तरफ पुश किया कि नहीं आप आगे जाएं, यू कैन डू इट। और मुझे अब ये लगता है कि इफ आई कैन डू इट, एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू इट। तो ये वाली चीज थी। और फिर ये था कि मेरे साथ CSS में काफी ज्यादा मिसहैप हो गया था। इस चैनल के थ्रू मैं बाकी दुनिया को भी बताना चाहूंगी कि मेरे CSS में 786 मार्क्स आए थे 2015 के अटेम्प्ट में, और वो 786 मार्क्स पाकिस्तान के टॉपर के इक्वल मार्क्स थे। मतलब जिस बंदे ने 786 मार्क्स लिए थे वो पाकिस्तान का टॉपर था और मेरे भी उतने मार्क्स थे, बट आई कुडंट क्लियर एसे जस्ट बिकॉज ऑफ 5 मार्क्स। और वो ऐसा था कि आई वॉज लाइक के आई एम डेड, ठीक है, लेकिन मुझे फिर टीचर्स की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट, और शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह इन वन वे और अनदर हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बहुत मेहरबानी की। वो वाली एक फेलियर भी इस मोटिवेशन के फैक्टर में रखी जा सकती है जिसने मुझे PCS के एग्जाम में अपियर होने की हिम्मत अता की। और मैं समझती हूं कि सबसे ज्यादा क्रेडिट इस मोटिवेशन फैक्टर का ये भी था कि PCS में इस दफा जो चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बहुत फेयर इंसान थे। दिल से दुआ निकलती है उनके लिए कि वाकई वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स में से हैं जिनकी वजह से मैंने PCS का अटेम्प्ट दिया, वरना बाज़ों का तो इतनी डिसहार्टन हो जाती थी कि नहीं अभी नहीं देना।